पंकज गहलावत। हाँ, कैसा था? मैथमेटिक्स का एग्जाम तो आसानी था, मतलब नॉर्मल था, ज्यादा हाई नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? एलजेब्रा से भी है, एचडीएफ वो एचएफ से भी है, एलसीएम से भी है, और मेनली ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा है। अच्छा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा था पेपर? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान है। आसान था? हाँ। अच्छा, ज्यादातर मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मेनली ट्रिग्नोमेट्री से। इकोनॉमी कितने क्वेश्चन आए थे? अराउंड होंगे 15 से मिनिमम 20 क्वेश्चन अराउंड ट्रिग्नोमेट्री। हर्षवर्धन सिंह भदौरिया, कैसा था पेपर? पेपर थोड़ा टफ था, थोड़ा क्या, काफी टफ था। लास्ट ईयर से? हाँ, लास्ट ईयर से काफी ज्यादा टफ था। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे मैथ्स में? ऑलमोस्ट हर एक एक एरिया से आए थे, लेकिन मोस्टली जो है वो ज्यादातर ज्योमेट्री से आए थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, टॉपिक बता दीजिए कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। क्या, कितने कितने क्वेश्चंस आए थे ज्योमेट्री और ये? ऐसे हम कह नहीं सकते, ऐसे बता के सकते हैं आए थे, लेकिन मतलब हर एरिया से बराबर बराबर आए थे, लेकिन ज्योमेट्री थोड़े ज्यादा आए थे। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। ओके, ठीक है। माय नेम इज हरीश शर्मा। अच्छा, रिगार्डिंग मैथमेटिक्स तो उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ज्यादा आया था। हाँ। ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स था, 10th लेवल तक हम तैयारी करते तो हो जाता है। टॉपिक बता दीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आए। ज्योमेट्री के रिलेटेड ज्यादा था, देन उसके बाद अब इस पे नंबर सिस्टम पे पढ़ाई करते हो तो वो भी कवर अप हो जाएगा उसमें। कौन से लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे? 10th लेवल तक का ही रहता है। अच्छा, और आपने सुबह का भी पेपर दिया ही होगा, कि कैसा था पेपर? सुबह वाला इंग्लिश वाज गुड, बट जीएस क्वेश्चन नीड्स प्रिपरेशन, तो उसको प्रेपर करके ही जाएंगे तो बेटर रहेगा। आप कैसे प्रिपेयर किया है सीबीएस के लिए? मैंने बुक से प्रिपेयर किया, आर्यन से प्रिपेयर किया, प्लस कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स थे वहाँ से प्रिपेयर किया। मेरा नाम सचिन गोस्वामी है। पेपर काफ़ी अच्छा था वैसे, जीएस थोड़ा इजी था काफ़ी, और इंग्लिश तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मैथ डिफिकल्ट था। मैथ में मेंसुरेशन 3D ज्यादा था, बाकी सब लेवल था। पेपर वॉज सीरियस, आई हैव गिवन नाउ सीरियस एग्जाम। पेपर वॉज ईजी, इंग्लिश सेट वॉज वेरी ईजी, एंड आई लाइक द मैथ्स पेपर ऑल्सो। मैथ्स में क्वेश्चन कौन कौन सेक्शन से आए थे? मैथ्स में कौन से सेक्शन से, कौन कौन से टॉपिक से आए थे? ट्रिग्नोमेट्री था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और परसेंटेज। अच्छा, और कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी टफ हो? कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, टफ नहीं थे, एवरेज था। या मेरा नाम सोनू कुमार है, मैंने आज सीडीएस का पेपर दिया है। इंग्लिश और जीके का पेपर बहुत आसान आया था, मैथ का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, लेंथी था। कौन सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे मैथ में? मैथ में कहाँ से आए थे क्वेश्चन ज्यादा? मैथ में तो वही सिलेबस जो ट्रिग्नोमेट्री और आपका एरिया एंड सरफेस वाला था ना, बस वही थे ज्यादा। यश, कैसा था पेपर? पेपर थोड़ा लेंदी था आज का। अच्छा, हो नहीं पाया था टाइम पे कम्प्लीट। हाँ, लास्ट ईयर से? लास्ट ईयर से मुश्किल था थोड़ा, लास्ट ईयर मेरा हो गया था कम्प्लीट टाइम। अच्छा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मतलब ओवरऑल टॉपिक्स तो वही रहते हैं जो सेम थे हर साल, बस बाकी कुछ नहीं बस। अच्छा, ठीक है। या आई एम प्रकाश सिंह तोमर। सो टुडेज पेपर वॉज ऑफ मैथ सेक्शन ऑफ CDS 1 2021। इट वॉज अ डेलिबरेट वन विद which I attempted almost 65 questions. It was quite easy one if you have prepared quite well for that. Okay. This section ज़्यादा question आए थे? Say about geometry. Geometry से ज़्यादा question आए थे? Yes sir. Trigonometry से there were around 5 to 8 questions. मेरा नाम अमित चौधरी है। कैसा था paper mathematics का? Paper सही था। अच्छा, आप moderate था, difficult था? 10th level का था। अच्छा, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? क्लास 10th की मैथमेटिक्स और आर डी शर्मा से आए थे। अच्छा, और टॉपिक बता दीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्री, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे, पॉलीनोमियल से भी थे। अच्छा, और नंबर सिस्टम से भी थे। ओके, थैंक यू।